साईं बाबा जिन्हें सीढ़ी साईं बाबा भी कहा जाता है, वे भारतीय गुरु संत एवं फकीर के रूप में बहुमान्य हैं। उनके अनुयायी उन्हें सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी मानते हैं। साईं बाबा एक भारतीय धार्मिक व्यक्ति जो 19वीं शताब्दी के मध्य से 1918 तक जीवित रहे। उन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए एक गुरु और पवित्र व्यक्ति माना जाता था। अच्छा, अभी हम किस तरफ पे जा रहे हैं, क्या देखेंगे? अभी हम साईं मंदिर देखेंगे, वर्धा रोड पे जो है, जो राइट हैंड साइड में आएगा। अभी हम आगे स्क्वायर से यू टर्न मार के आएंगे जी। ये राइट हैंड साइड में जो मंडप जैसा दिख रहा है, ये साईं मंदिर है। और ये साईं मंदिर दिल्ली शिरडी के साईं मंदिर के जैसा है 100%। अच्छा, साईं यहाँ की कुछ खासियत, जैसे साईं बाबा कभी यहाँ पे पधारे थे? साईं बाबा जब पधारे थे यहाँ कुछ दिन रहे थे। अच्छा, तो उनके हाथ से किया हुआ चकला और बाकी चीजें थी यहाँ पे पहले, अभी सिर्फ मंदिर है जी। और जैसा मूर्ति शिरडी में है जी, वैसा सेम दर्शन आपको सेम यहाँ पे हो पाएंगे आपको। अच्छा, बस नजदीक ये यू टर्न लेके अपन चलते हैं मंदिर में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपको आपका अपना YouTube चैनल मनोज हिला ब्लॉग्स में फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको छोटा ताजबाग दरगाह को दिखाया और साथ में बाबा की करामतों को बताया है। जिन दोस्तों ने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है, कृपया कर इस वीडियो को पूरा देख कर मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें, साथ में लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए और आपका समय ना नष्ट करते हुए सीधे आज की यात्रा को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों मंदिर के पास ही आपको मंदिर में चढ़ाने के लिए फल फूल मालाएं एवं मिठाइयां मिल जाएंगी, जहां से आप अपने इच्छा अनुसार पूजा सामग्री खरीद के बाबा को भेंट चढ़ा सकते हैं। सॉरी दोस्तों, काफी कोशिशों के बाद भी मैं मंदिर के अंदर कैमरे को नहीं ले जा पाया, इसीलिए चलिए बाबा का दीदार हम बाहर से आपको कराते हैं। शिरडी के साईं बाबा ने सिखाया कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और मुस्लिम और हिंदू धर्मों के बीच अंतहीन एकता दिखाने की मांग की। उनकी सबसे प्रसिद्ध कहावतों में से एक थी, ईश्वर हम सबका मालिक है। साईं बाबा भारतीय संतों में सबसे लोकप्रिय है और पूरे भारत में उनके बड़े अनुयायी हैं। उनकी छवि भारत के सबसे लोकप्रिय धर्मों में से एक है। उनकी समाधि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस मंदिर का निर्माण साईं बाबा में लोगों के विश्वास को विकसित करने और उनकी महान शिक्षाओं को प्रचार करने के लिए किया गया था। गुरुवार और शिरडी साईं बाबा के जुड़े विशेष दिनों के दौरान मंदिर में 20,000 से अधिक भक्त आते हैं। भक्तों का मानना है कि मंदिर को साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त है। साईं बाबा का जन्म कब और कहां हुआ था एवं उनके माता पिता कौन थे, ये बात अज्ञात है। किसी दस्तावेज में इसका प्रमाणित पता नहीं चलता है। स्वयं साईं ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, हालांकि एक कथा के रूप में यह प्रचलित है कि एक बार श्री साईं बाबा ने अपने एक भक्त महालक्ष्यपति को, जो कि बाबा के साथ मस्जिद तथा चौड़ी में शयन करते थे, बताया था कि मेरा जन्म पाथरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे माता पिता ने मुझे बाल्य अवस्था में ही एक फकीर को सौंप दिया था। जब यह चर्चा चल रही थी तभी पाथरी से कुछ लोग वहां आए थे। बाबा ने उनसे कुछ लोगों के संबंध में पूछताछ भी की थी। उनके जन्म स्थान एवं तिथि की बात वास्तव में उनके अनुयायी के विश्वास एवं श्रद्धा पर आधारित है। शिरडी साईं बाबा के अवतार माने जाने वाले श्री सत्य साईं बाबा ने अपने पूर्व रूप में परिचय देते हुए शिरडी साईं बाबा के प्रारंभिक जीवन के संबंधित घटनाओं पर प्रकाश डाला है, जिनसे ज्ञात होता है कि उनका जन्म 28 सितंबर 1835 में तत्कालीन हैदराबाद राज्य के पाथरी नामक गाँव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।